हेलो हेलो गाइस, आप फ्रेंड। सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैं क्लासरूम सोता नायगल का रिएक्शन, और ये माइक सेट वालों की वीडियो है। और साथ में इससे पहले हमने की थी एग्जाम सोता नायगल पार्ट 3, और वो काफ़ी मज़ेदार थी। लाइक उसमें भी किस तरीके से ले वो क्लासरूम का माहौल दिखाया गया था एग्जाम के टाइम का, तो वो देख के बहुत मज़ा आती। किस किस तरीके से वो छोटे छोटे पार्ट्स करके दिखाए गए थे, कैसे लोग चीटिंग करते हैं और कैसे वहाँ पे बड़े बड़े लोग एंट्री मार मार के आते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर क्लास में क्या करते हैं, वो चीज़ दिखाई गई थी। अब यहाँ पे इतने क्लासरूम सोता नायगल मेरे ख्याल से डेली लाइफ का दिखाया जाएगा कि डेली में बेसिस पे जो क्लासरूम में मस्तियाँ होती हैं या फिर जैसी टीचर्स होती हैं या क्या होता है उसके ऊपर फोकस बनाया जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगा देखने में। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पर्सनल एक्सपीरियंस में तमिल कॉमेडी अभी तक देखी नहीं है। मैंने अभी सिर्फ हिंदी कॉमेडी ही देखी है, तो मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बात यहाँ पर स्कूल लाइफ की या फिर क्लास लाइफ की जा रही है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ या फिर हम जनरली हम लोगों की लाइफ में सबसे मेमोरेबल मोमेंट होता है स्कूल लाइफ या फिर क्लास लाइफ का, तो बहुत ज्यादा मजा आती है। और हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, और अगर पिछली चीजों या फिर स्कूल लाइफ को याद करें तो बहुत ज्यादा मजा आता है। वही कमाल की वीडियो होगी, और माइक सेट वालों ने बनाई है तो वो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। उनका जो मेन हीरो है ना, वो बहुत कमाल का लगता है मेरे को, क्योंकि जैसे उसके एक्सप्रेशंस होते हैं और जिस तरीके से वो एक्टिंग करता है। तो फिर देखते हैं वाली वीडियो कैसे होती है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द टॉपिक ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नथिंग बट एवरी एक्शन दैट इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। असीम दलिम क्या हो गया? दूसरा टल में मिया बाहुबली मिया कलीफा न्यूटन थर्ड लॉ सा सा सकीला इना वर्ड नहीं है तेरी। अच्छा, वो व्हाट एवर यू हैव सीन इन दिस क्लास दिस व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। इधर ये पर ले लेडी स्टॉप इट। वाह, अरे इस कॉलेज स्कूल में होती है क्रश सबकी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ஏய் மேம் வந்துட்டாங்கடே, இனிமேல் நம்ம நல்லா படிச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்னா? ஆமாண்டா, ஆனா இன்ஜினியரிங் மட்டும் எடுக்க கூடாது. ஆமா சொல்லுங்க. உங்க நெத்தி கொஞ்சம் காட்டுறீங்களா? ம், வா. உங்க பாவர்தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது சாரி. சாரியா? சாரி நாட்டி. ஐயா நீங்க ரொம்ப பியூட்டி. கொஞ்சம் கண்ண மூடு கிசா. ஃபோன் செக்கிங்க, எல்லாம் வெளியே வாங்கடா. ஐயோ கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சறானோ? இல்ல சார். நீ வச்சிருக்கியா? எக் தோ இல்லாதே. ஹே, ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சுல? தெரியல சார். கார் ரக்கா ஹவர். இல்லையே, ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு. இல்ல மாட்டனையா? நீ எங்க போனை வச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியும். சார் சார் விடா, நானே போன் எடுக்கறேன். அது போன் இல்ல சார். சாரிடா, மாட்டனடா. சார் 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 முடியாது சார் 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 ப்ளீஸ். டீச்சர்ஸ் கேந்திர அந்த கேக்கலாம். ये सब के क्लास में था नहीं। यूं क्या कर केलन तब की थी ना, ना பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ச ஸ்ரீராம் அதே கண்டுபிடிச்சா. மேம் ஏந்திர டிஃபைன் போட்டோசிந்தசிஸ். அடி சாமானி போ. போட்டோ ஏ ஊட்டாண்ட இப்படி தான் நான் நல்ல போஸ் கொடுத்தேன். போஸ்டா அப்படி சுத்தி சுத்தி என்ன பண்றான்? மாட்டீங்க.
சார் கிளாஸ்ல பசங்க ஃபோன் யூஸ் பண்றாங்க சார் என்னது ஃபோன் யூஸ் பண்றாங்களா டேய் சீக்கிரம் அந்த ஆள் பேர் மேம் பேர் சீக்கிரம் அடிச்சாங்க அப்படியே 377 ஐபிஸ் நம்ம பாக்கெட்ல போடு கேடா ஏ ஓலடா கரடி முடி சத்ரா நீ ஏ டேய் டேய் சார் பாத்ரூம்ல ஒரு பேர் ஏட்டானங்க சார் என்னது என் பேரை பாத்ரூம்ல எழுதி வச்சிருக்காங்களா எப்படி பொறுக்கும் டேடி எனக்கு கொஞ்சம் போறாடி கொஞ்சம் போறா அங்க என்ன சாப்பிடுற சத்தம் கேக்குது யார் சாப்பிடுறது ஐயோ நீதா சாப்பிடுறியா நோ நான் சாப்பிடுறேன் कलेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा है कैच कर रहा है गेट आउट ऑफ माय क्लास यार रावा बाथरूम में यहां पर எழுதி வச்சிருக்கிறது அதுவும் பிராக்கெட்ல ஐபிசி 377 எழுதி வச்சிருக்கேன் யார் அது உண்மை ஏதாண்டா ஏதனே அதிகண்டா மாட்டி ஓடுறீங்க டுடே டாபிக் இஸ் காண்டி வண்டி பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணு யார் அங்க பேசிட்டே இருக்குது மாமா எங்க குருதினே நாடா வன்மரிங்க ये तो बहुत जो लास्ट फोटो उसके साथ यही होता है श्रीराम सब उसकी तरफ ही देखते हैं वो पीछे देख रहा है पर ना ना पैसा ना सुनिए ना माटी कोड़ों उड़ेंगे आना भी क्या वाला माँ पाते ना काटी कोड़ का दिंगा श्रीराम यार यार ना होमवर्क कुड़ी लिए वेली वांगा हाँ काटी कंडीशन है सामाले पाँ माटे यार कहीं नहीं माला पोटर का सर सामी का नो मुझे इमोशनल मारे इमोशनल ब्लैकमेल सर सर नान माला पोटर का सब ने आल आल माले का टीम आते हैं ना पावर 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 यंगी डे आप आले पसाई तनी आप आले पो यार रा सही था सर आप अच्छा हो कौन द पर का सर यार रा वो फिर पड़ा थैंक यू सर पो ये बंदा पंडा पड़ा ना ये क्या करेगा டேய் என்னடா பண்ற? தமாஸ் பண்ற சார். என்னடா ஆளாளுக்கு என்ன வெச்சி தமாஸ் பண்றீங்களா? டேய் சார் அவன அடினா அவன் பொண்டாடி அவன் கூட ஓடுறான் சார். வாட் லகாதி இவன் தான் எதுமே போடல இவன் அடிச்சு விழுந்தான். சார் இவன் அடிக்கவே இல்லையே எப்படி ஓடுறடி கொஞ்சம் நவுறு. இவன் என்ன பண்ண போறான்? இப்ப என்ன பண்றான் பாரு உன்னை. இந்த பெளையே கொன்றதற்காக என் ஆசியாக்கு பாவமன்னுக்கு வழங்க மாட்டவரே. என்னது? நான் கொன்னானா? உன்னை? என்னை அடிவார? என்னை பயப்படவே மாட்டேன்றான். அடுத்து என்ன பண்ண போறானே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க சாதாரண 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 किस तरीके से लाइक वो जो लास्ट वाला पार्ट था ना जब सारे लोग घूम घूम के वो मेन पीछे वाले लड़के को देखते हैं वो तो हर एक क्लास में होता ही था और वो हम लोग करते ही थे लाइक एक बच्चे को सिलेक्ट करता था नॉर्मली क्या होता था जैसे ये तो शैतानी कर रहा था नॉर्मली होता है वो बच्चा लड़का शैतानी करता भी नहीं है पर क्योंकि वो पीछे बैठा होता है तो हर कोई उसी की तरफ देखता है और उसी की तरफ हमेशा पॉइंट आउट करता है और उसका ही नाम लिया जाता है और वो फर्स्ट जाता है हमेशा तो वैसे ही दिखाया गया तो वो देख के एकदम स्कूल की याद आ गई थी। हाँ बिल्कुल बहुत रिलेटेबल था मतलब ये सारी चीजें अपने को लग रहा था कि अपने साथ तो बिल्कुल होती थी रोजी होती थी सबसे स्पेशली वो लेडी टीचर यार हर स्कूल में क्रश जरूर होती थी चाहे वो लड़के की हो या फिर लड़कियों की भी मतलब जनरली पसंद आती थी टीचर ऐसी पर लड़कों तो ऐसे ऐसे लाइन मारते थे मतलब यार दोस्त भाभी भाभी जरूर बोलते थे उनको ये जरूर चीज होती थी और जो मेन श्रीराम है ना वो बहुत कमाल का कैरेक्टर है वो जिस तरीके से एक्टिंग करता है लाइक वो जिस तरीके से वो जब लेडी टीचर आई थी तो उसके साथ कैसे वो एकदम खो गया था और वो सपने देख रहा था तो वैसे काफी लड़के होते हैं और फिर उसके बाद जैसे वो खाना खा रहा है वो सारी छोटी छोटी चीजें दिखाई गई और यहाँ पे एक 6 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा पैक करने की कोशिश की लाइक वो खाने वाली बातें हो गई फिर वो स्पाई वाली बातें हो गई किस तरीके से एक ना एक ऐसे मनुष्य निकल के आता है जो पूरी आपकी कंप्लेन करता रहता है कुछ ना कुछ और वो बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो सब चीज़ें फोन वाली बात तो हर कोई बताता ही है और वो निकाल देते हैं और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपने भी रिलेट की होंगी और वही हमने भी रिलेट की है एग्जैक्टली वो पनिशमेंट वगैरह ये सारी चीजें होती थी हमारे साथ ही और क्वेश्चन पूछना मतलब लास्ट में पूरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन पूछे जाते थे कि क्या पढ़ाया मैंने और सब ऐसे छुपते थे एक दूसरे पर पॉइंट करते थे कि ये बोलेगा साइड वाला बोलेगा बट सब ऐसे छुप जाते थे जैसे कि हमारे पास ऐसा कुछ ना है तो बहुत ज्यादा मजा आता था तो सारी चीजें ताजा हो गई बहुत मजा आया वही बहुत कमाल की वीडियो थी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएगा और ऐसे लाइक करते जाइए कमेंट करते जाइए शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए बाय।